हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आई सब अच्छे होंगे और सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो सभी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर, आरआरबी का नाम तो सुना है बट हमको ये नहीं पता होता कि सर इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रीवियस कट ऑफ कितना गया है, कितना नेगेटिव मार्किंग है, क्या पेपर पैटर्न। तो हमको तैयारी किस तरीके से करना चाहिए कि कितने मार्क्स हम लेके आए कि हम सेफ रहे, तो सारी बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक सुनेगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिएगा कि बेटा, हमारे पास ये जो आरआरबी का जो पेपर है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसे रिक्रूट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टाटा स्टील ऐसे कोई दूसरी कंपनी करती है, नहीं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही इसको रिक्रूट करता है। दूसरी बात, आरआरबी के अंदर जो वैकेंसी आई है इस टाइम पे 7934 आपके पास आई है, याद रखिएगा, ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी सारी ब्रांचेस को मिला के है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे कैटेगरी जो होती है वो एई और जेई की होती है। देखिएगा सर, इसमें तो ए का तो कुछ नाम लिखा ही नहीं, आरआरबी जे लिखा है। देखो बेटा, इसके अंदर सीनियर सेक्शन से इंजीनियर होता है, आपको पता होगा। ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर को आप ए बोल सकते हो, तो ये ए की वहां पे पोस्ट होती है और बाकी आपके पास जे की पोस्ट होती है। यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं सीबीटी वन के अंदर, वो 100 आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। बात समझ में आ गया? सीबीटी टू के अंदर हमारे पास 150 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे सीबीटी वन की, तो बेटा सीबीटी वन के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि सर, हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा सीबीटी वन को क्वालिफाइड करने के बाद ही हम सीबीटी टू के अंदर जा पाएंगे, क्योंकि सीबीटी वन के अंदर पूरा का पूरा नॉन टेक होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, सीबीटी टू के अंदर टेक्निकल होता है, तो सीबीटी वन के अंदर अगर मैं बात करूं तो बेटा इसका ये नहीं बोल सकते हो कि ओवरऑल इसका कट ऑफ कितना रहता है, क्योंकि सेंटर पे एग्जाम होता है लेकिन ये प्रत्येक प्रत्येक जोन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अजमेर जोन का अलग चला गया, कोलकाता जोन का अलग चला गया, या आपके पास बाकी के जितने बिलासपुर जोन होंगे सभी जोन का अलग अलग जाता है। अभी तक का जो कट ऑफ देखा गया है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास 80 तक इसका कट ऑफ गया है, और मिनिमम से मिनिमम में बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 51-52 तक भी इसका कट ऑफ गया है। तो अलग अलग रीजन पे अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अजमेर रीजन का भी आप बात करोगे तो वहां पे आपके पास 55 के तकरीबन आपके पास कट ऑफ था। तो आपके लिए मैं सिर्फ इतना बात करूंगा कि अगर आप सेफ स्कोर चाहते हो कि सर डेफिनेटली हमको आरआरबी जेई में सिलेक्शन चाहिए, तो आप सीबीटी वन के अंदर टारगेट करिएगा 70-75 मार्क्स आपके पास आना चाहिए। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके पास वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो 70-75 मार्क्स आपका सेफ स्कोर है, तो टारगेट इसी पे करना है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो तो डेफिनेटली आप मास्टर प्लस एजुकेशन का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे हमने संकल्प बैच अभी अभी स्टार्ट किया है, अफोर्डेबल प्राइस में है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, आप उससे भी तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जो कि टेक और नेन टेक दोनों के दोनों है। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेरे नंबर भी मैं डाल दूंगा, तो वहां पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।